नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग नियुक्ति पत्र और अन्य अपडेट न्यूज में। तो आज 6,696 सहायक अध्यापक को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपकी नई नौकरी आपके लिए अधिक अवसर और सफलता लेकर आए। मुझे विश्वास है कि आप अपने नए कार्य स्थल पर एक शानदार काम करेंगे और सभी से प्रशंसा बटोरेंगे। आपको नई जॉब की शुभकामनाएं। आज है 23 जुलाई, आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। गोरखपुर में 108 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। वहीं पीलीभीत में 64 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मिलेगा अवसर। यहाँ पदों की संख्या जो थी 73 थी, लेकिन 64 अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग करवाए थे। कल अंतिम समय तक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र निरस्त करने का कार्यक्रम जारी रहा। 10 अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र, तो लगभग जो पदों की संख्या है वो 1,000 से ऊपर जाएंगे। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब मंत्री जी ने कहा है कि एक एक सीट पर काउंसलिंग होगी, तो 1,000 से अधिक सीटें हैं, उस पर काउंसलिंग फोर्थ करानी चाहिए। तो चतुर्थ काउंसलिंग के लिए सीटों की संख्या पर्याप्त मिल जाएगा। आज अफीम कोटी में बांटा जाएगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने वाले 110 अभ्यर्थियों में से 100 लोगों को ही शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 10 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र में अंतर आने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। 100 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लखनऊ में सहयोगी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, जिस पर अभ्यर्थियों को दिखाया जाएगा। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायक और माननीय मंत्री जी भी शामिल होंगे। प्रयागराज में तीसरी सूची चयनितों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के उनके सरकारी आवास पर प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण। मुख्यमंत्री जी बैठक में कहा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी प्रदेशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए कटिबंध। तो ये बैठक है फिलहाल, अभी इसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी होगा मुख्यमंत्री जी का। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अगले दिन 7 दिनों के भीतर आपको 24 जुलाई भी शामिल है, बीएससी पर ज्वाइनिंग वाले दिन आपको ये सब जमा करना है। कारभार ग्रहण पत्र जमा करना है आपको, उसके बाद नियुक्ति पत्र की कॉपी जमा करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करना है, डॉक्यूमेंट कॉपी की एक फाइल जमा करना है, बिल्कुल जैसे 2 फाइल आपने पहले जमा की थी ओरिजिनल फाइल के साथ। मेडिकल बनवाने के लिए एक फ़ोटो, नियुक्ति पत्र की कॉपी, सैलरी मिलने तक टोटल 8 फाइलें जमा होगी, जिसमें से 2 हो चुकी हैं, 20-25 फ़ोटो रहेगा आपका। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद मेडिकल बनवाने का जो तरीका है, जिला अस्पताल जाएं, 1 रुपये का पर्चा बनवाएं, जरूरी जांच करवाएं, सीएमओ ऑफिस पहुंचे, नियुक्ति पत्र की कॉपी, अपनी 2 फोटो, आधार कार्ड व अन्य आईडी कॉपी जमा करें। और 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलते हैं उसकी 4-5 कॉपी करा लें। 24 तारीख को मेडिकल मिलते हैं उसकी 4-5 कॉपी करा लें। और हमेशा ही किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मिलते ही उसकी 4-5 कॉपी कराना अपने हैबिट में शामिल कर लें। ओरिजिनल नियुक्ति पत्र कभी भी या कहीं भी जमा नहीं करना है, उसको लाइफ टाइम अपने पास ही रखना होता है ओरिजिनल वाला। नियुक्ति पत्र मिलने के ठीक अगले 7 दिन के भीतर आपको 24 जुलाई भी शामिल है, बीएससी पर ज्वाइनिंग वाले दिन आपको ये सब जमा करना रहेगा, जैसा कि कारभार ग्रहण पत्र है, नियुक्ति पत्र कॉपी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपी है, एक फाइल है, बिल्कुल जैसा 2 फाइल आपने पहले जमा किया था ओरिजिनल फाइल के साथ ही। वहीं चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के निदेशालय पर शुरू किया अनशन, जबकि 30 जुलाई को जिले के 18 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। और माध्यमिक विद्यालय को अगले महीने मिलेंगे 2,846 शिक्षक। लोक सेवा आयोग से चयनित 189 प्रवक्ता और 2,667 सहायक अध्यापक की सूची विभाग को मिल गया है। 6,696 को आज बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। किसी प्रकार का समस्या आने पर मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है आयोग के द्वारा। वहीं सामाजिक विज्ञान के 1,099 शिक्षक को मिले हैं शिक्षक बनने का अवसर। एडेड माध्यमिक विद्यालय के लिए चयन बोर्ड ने TGT सामाजिक विज्ञान 2016 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। प्रवक्ता हिंदी 2016 का संशोधित संस्था भी आवंटित, वंचित चयनित शिक्षकों को नई संस्था का आवंटन। 1,004 पुरुष और 95 महिला अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। लंबे समय से विवाद में फंसा हुआ था प्रवक्ता के भी 2 विषय का प्रावधान जारी कर दिया गया है। और कला का विवाद खत्म, अब हिंदी वालों ने मांगी है नियुक्ति। लोक सेवा आयोग में किया धरना प्रदर्शन, चयन होने के बावजूद
आर्द्रता विवाद में फंसी फाइल। वहीं महापटन द्वारा विसंगति, दूसरे राज्यों से ब्याह कर आई बहुओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में नहीं मिल रहा है अवसर, जबकि उनके बच्चे माने जा रहे हैं पात्र, बेटा बेटी भाई लेकिन माँ है पराई। तो जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी दस्तावेज में प्रदेश की नागरिकता, फिर भी नहीं मान रही है सरकार। तो इन्होंने कहा अगली भर्ती से पहले कर देंगे संशोधन, परीक्षण के बाद उचित मार्गदर्शन। जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर सभी दस्तावेज इनके मानने हैं, दूसरे राज्यों से ब्याह कर आई हैं आरक्षित वर्ग की बहुओं की शिवराज सरकार अपनी नौकरी में पात्र नहीं मान रहा है, जो कि उनके बेटी बेटियों को राज्य का नागरिक का दर्जा है। ये प्रदर्शन इन महिलाओं का चल रहा है। उम्मीदवारी क्या है, रैंक इनकी 362 है लेकिन जॉब नहीं मिली। राजस्थान के रहने वाली ज्योति सोनी की शादी इंदौर के निवासी आकाश से हुई थी। ज्योति ने वर्ग एक के तहत संस्कृत शिक्षक की परीक्षा दी, उनकी रैंक 362 है लेकिन उनकी नियुक्ति ओल्ड कर दी गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है, लेकिन बाद में सभी गैर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाली महिलाओं पुरुष को जो राजस्थान हरियाणा से थे सबको 69,000 में ज्वाइनिंग दे दी गई है। वहीं विश्वविद्यालय की लापरवाही ने तोड़ दिया अफसर बनने का सपना, जबकि अखबार बांटकर बन गए जज। तो विषम परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए